ग्रंथ को देखा, बसंत वार को आयो लेखा, पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा ढोवा, अपने चरण जपायण विच दयो खड़ोवा। ए भी एक तरीका सी अपने गुरु नु पुछना। महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर, परचियां दा तरीका भी वरदे रहे सिख। बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले वरत्या गया कि एक ते लिखिया सी कि फतेह दर्शन जेड़े बंदई वरदे सन, एक ते लिखिया सी वाहेगुरु जी की फतेह। भाई मनी सिंह उन्हां ने पाईया हर की पौड़ी च वाहेगुरु जी की फतेह, वह तरके आ गई, फतेह दर्शन नहीं सी बाहर निकली। ये भी एक तरीका सी पुराने वरदे रहे। मैं सिर्फ एक बेनती की जी कि कल तक और अज भी कि अपने गुरु नू गुरु नानक साहब कहिंदे सी पुछिया है, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं, होर कोई थां नहीं। महाराज किस चीज दी? कह लगे खर बिन जियो जल बल जाओ। खरी तो बिना, परमेश्वर तो बिना जियो दा लफ्जी अर्थ जिंद करिए अंदर करिए। जल बल दोनों शब्द में कर वरते सन, जल दा अर्थ भी सड़ना ते बल दा अर्थ भी सड़ना। असी ये दोनों शब्द वरतने, फलाना बंदा गल सुन के जल बल गया। इत्थे महाराज ने जल और बल जिहड़े दोनों शब्द ने, जल बल इहदा अर्थ है सड़ जाना, भुज जाना। आओ थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब चो देखिए कि साड़न दा काम तां अग दा है ना जी, अग साड़दी है। दास दे मन सी भी एक पख, पर गुरु ग्रंथ साहिब ने जदों अग दा जिक्र कीता उन्होंने केवल ता केवल बार किसे इंधन नू बालन नू लगी हुई अग दा जिक्र नहीं कीता। गुरु ग्रंथ साहिब ने एक अग बारे जिहड़ा शब्द वरत्या ना जी, ओ केते वरत्या है। हालां अग बारे शब्द महाराज जी ने ना जी चार भी गिनती दा वरत्या अग लई, केते शब्द भी वरत्या है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच महाराज जी ने अंतर बार दी अग दा जिक्र भी कीता। पर ए अग केड़ी है? एक तां असीं जपजी साहिब च पढ़ने आ कि केते पवन पाणी, बैसंतर शब्द वरतने, बैसंतर दा अर्थ अग है। इत्थे महाराज जी ने एक दो नहीं, कहिंदे ने पता नहीं किन्नी तरह दी अग परमात्मा ने पैदा कीती। ओए सूझवान ये भी कहिंदे आ कि चार तरह दी अग मन्नी गई है जी, जिवें बारमुखी अग जंगल नू लगे दावा अगन, समुंदर विच लगी कोई अग बड़वा अगन। जदों असीं देखने आ कि साडे पेट दी जां साडे शरीर विच भोजन नू जिहड़ी एनर्जी पचा रही है उहदे लई शब्द वरत्या गया जठरागन, जठर दी अग, पेट दी अग, जिहदा जिक्र महाराज जी ने बच्चे दे जन्म तो पहला भी अग दा जिक्र कीता। उस तो अगे अग बिरहा दी भी है, वासना दी भी है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च प्यारिओ एक अग होवे कि जिहड़ी साडे अंदर दे सारे औगुणां नूं फूक के अंदर नूं शुद्ध कर दिंदी है। ते एक अग गुरु ग्रंथ साहिब जी ने ओह दसी है सच ए वे जिहड़ी लग जाए ते अंदर दे गुणां नूं फूक के औगुणां नूं प्रगट कर दिंदी है। अग दा काम साड़ना है। बिरहा दी अगन भी है ते तृष्णा अगन भी है। तृष्णा नूं आपां अगन कहिंदे, जिहड़ा महाराज शब्द वरत्या ये जल बल जाओ दा तृष्णा दे रूप च वरत्या। हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने बिरहा दी भी अग है, जिस नूं नाम भुल जाए उहदे अंदर भी अग है, ते कमाल दी गल जिहड़ा नाम जपदा उहदे अंदर भी अग है। थोड़ा जिहा इहनूं आपां बाणी चो पहलां देख लईए। हजूर दा इक बचन है माधो कबीर साहिब, जल की प्यास ना जाए जल में अगन उठी अदकाए। हुण इत्थे महाराज शब्द वरत्या अंदर सड़ गया, उत्थे कहिंदे ने देखो परमात्मा ने कैसी कृपा वरताई। आम तौर ते अग लगे ते पानी नाल आपां बुझाने आ, ते कबीर साहिब कहिंदे ने माधो जल की प्यास ना जाए, अंदर दी तृप्ती नहीं हो रही क्योंकि जल में अगन उठी अदकाए। हुण प्यास विच आ पानी विच भी एक अग उठ गई, इस अग नूं कौन बुझाएगा? ये ना तां तृष्णा दी अग है, ना वासना दी अग है, ना ये जठरागन है। ये असल च अगन ओह है जेड़ी नाम जपन वाले विच इन्नी कु तीव्रता पैदा कर देंदी है कि अठे पैर चौबी घंटे स्वास स्वास खिन खिन निमक निमक
जिन्ना मर्जी ओ नाम जपी जाए पर अंदर एक अभिलाषा एहो जी पैदा हुंदी है जिहड़ा अंदर तृप्त नहीं हुंदा। बार बार पुकार के कह लग पैंदा हुण एक जीव नहीं सारे रोम ही जीवा बना दे मैं तेरी बंदगी कर सका। इस नूं थोड़ा जिहा फिर सुनियो जी, मैं इस अग दा जिक्र कर रहा है, ये नैगेटिव नहीं, यह किसी खुशकिस्मत अंदर पैदा होंदी है। माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अदकाए। इत्थे एक बचन है गुरु नानक साहब जी का, ओ अग कैसी है, मारू मीह ना तृप्तिया, अग्गी लहे ना भुख, राजा राज ना तृप्तिया, सायर भरे के सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। हुण इह भी तिक अग है जी, इह अग इह भी एक अंदर दी भुख पूरी नहीं हो रही। महाराज जिहड़ा इह च जिक्र कीता उहदे विच पहला महाराज ने शब्द वरत्या मारू, मारू दा लफ़्ज़ी अर्थ इत्थे राग नहीं, मारू दा अर्थ है मारू थल, जिथे सिर्फ रेत ही रेत, पानी की बूंद भी नहीं। मारू मीह ना तृप्तिया, जिन्नी मर्जा मीह पै जाए बारिश हो जाए पर मारू थल दी रेत नहीं रजदी पई। सवेरे बारिश रज के हो जाए ते तुसी घंटे डेढ़ बाद जाके देखो रेत फिर सुकी दी सुकी। सुनिए इस बेनती महाराज ने किस ढंग नाल प्रमाण ए मैं अर्ज करनी है जी। एक वासना बार मुखी अग, एक बिरहा दी अग, ते देखो सड़दे दोनों ने। दोनों विच क्या, जिन्हों नाम भुलदा वह भी कहिंदा मेरा जीओ तप रहा है, जिन्हों नाम चेते आंदा कहिंदा रब्बा मैं करा कि मेरा जीओ तप रहा है। मैं तां इत्थे थोड़ी जी गल खोलनी चाहना बाणी च कि मारू थल च मीह पै जाए, मारू थल रेत नहीं रजदी, मारू मीह ना तृप्तिया, अग्गी लहे ना भुख। अग बाल के जिन्ना मर्जी बालन पाई जाओ, अग कदी भी रजदी नहीं। राजा राज ना तृप्तिया, जिन्ना मर्जी राज भा कोई कमा ले, कोई टावा टावा नहीं, ते मरते दम तक बंदे दे अंदर दी वासना राज तो तृप्त नहीं होंदी। ते चौथा महाराज जी ने कहा समुद्र विच रोज नदियां बह रही, देखो सारे बरसाती दरिया नदियां नाले चश्मे जेड़े चलते आ सारे समुद्र च दिखते पे आ। सदियां हो गई ने समुद्र ने कहा हुण बस करो, हुण तां मैं रज गया। महाराज कहिंदे आ इन्ना समुद्र च पानी डिग रहा है। कईयां ने गुरमुखां ने यह भी अर्थ किए ने सायर भरे के सुख, के जिन्ना मर्जी सूरज जा सुक्का पा दे समुंदर ने किहड़ा रजना है, पर नहीं, जिन्ना मर्जी पानी दरियावां दा नदियां दा मीह पई जाए तुहाडे नेड़े समुंदर है, वह सारा खिंची जांदा है। कदी वह रज के कहिंदा बस करो। महाराज कहिंदे आ यह भी एक अग है, मारू थल दी प्यास बरसात नाल नहीं बुझदी, वह बनी रहिंदी है। अग दी भुख बालन पा के नहीं कदी मुकदी, वह कई साल बलदी, कोई भी बालन मंगदी है। राज कई दहाके करके अंदर नहीं रजदा। महाराज कहिंदे आ समुंदर जिन्ना मर्जी पानी पा दिओ समुंदर नहीं रजदा, जिहदे अंदर माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अरकाए, जिहदे अंदर परमात्मा दे नाम की भुख पैदा हो जाए उहदे अंदर इहो जी अग बलदी, सारी जिंदगी जप के नहीं रजदा। इहदा याद रखियो, इत्थे पदार्थां दा जिक्र नहीं। वह कहिंदा होर मैं बंदगी करा, होर मैं अपना अपना नियम निभावां, होर मेरे ते बख्शिश कर दे। बेनती जी एक यह अग है जिहड़ी अंदर लगातार बलदी है, इस अग विचों ही असीं बिरहा दी अग कहिंदे। हुण देखो महाराज ने शब्द वरत्या हर बिन जियो जल बल जाओ, बाबे फरीद ने एक शब्द वरत्या तप तप लोए लोए हाथ मरोरू, बावल होई सौ सौ लोरू, तै शह मन में किया रोष, मुझ अवगुण शह नाही दोष, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कह हो विरह जाली। ये भी सड़ गई, कोयल नू अग लग गई। वो कहिंदे ने मेरा रंग जदों काला तुसी देखदे हो मैनू अग लग गई, मैं सड़ गई। पर इत्थे मैं तां कहा भी हर बिन ओ अग किसे नू लग जाए विरहा दी अग, सच ए वे बख्शिश करदी है कि तप तप इहदा अर्थ है मैं प्यारे नू मिलदे नहीं, मेरे अंदर नू टिका नहीं, काली पैंदी पीख, मैं उसनू मिलना लोचना, अपने हत्थां नू मैं मल रहा हां, तप तप लोए लोए हाथ मरोरू, बावल होई सौ सौ लोरू, तैसे मन में किया रोष, मुझ अवगुण शै नाही दोष,
कहिंदे ने मेरे अंदर एक अग लागी। उदाहरण कोयल दी दे रहे, कहिंदे ने काली कोयल तू कित गुण काली, तेरे खंभां दा रंग काला क्यों पै गया। ते कोयल कहिंदी जिन्हूं फूक दिता जाए उहदा रंग कोलियां दी तरह काला पै जांदा है, मेरे खंभ तां काले हो गए मैनूं बिरहा दी अग ने फूक दिता, पर जिन्हूं नाम भुल जाए काला तां उह वी हो जांदा है। फरीदा तिन्हां मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाउं, जां असीं बाणी च पढ़ने आ मत्थे तिन काले, पर इत्थे कोयल कहिंदी मैं वी काली हो गई। मैं तां बेनती कर रहा, पहली गल तां गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द चो अग दे परपेख नूं पढ़िए, किते उह बिरहा दे रूप च आउंदी है, किते तृष्णा दे रूप च आउंदी है। जदों सुनार अग बालदा है उह कुछ होर काम करदी है, जदों किसे दे घर नूं अग लग जांदी होर काम करदी है। घर नूं लगी कोई अग उह सब कुछ, दुकान नूं लगी अग सब कुछ फूक दिंदी है, ते जदों सुनार किते अग बालदा कुठाली थले सेक उह वी दिंदी है, पर उह सोने दी मैल नूं साड़ के उहनूं शुद्ध कर दिंदी है। मैं बेनती करा एक ता अग इह वी जी जिहड़ी बिरहा दी अगन किहा, उह अग औगुणां नूं फूक दिंदी है, गुणां नूं जिहड़ी है उह प्रफुल्लित करदी है। दूसरी बेनती जिहदा जिक्र गुरु नानक साहिब जी कर रहे हैं कि खरबिन जियो जल बल जाओ, परमात्मा दे नाम तो बिना अंदर सड़ रहा है। हुण आ इस तरह अग नी जिवें आपां बाहर मुखी देखी अंदर नूं अग साड़दी है, उह कई रूपां च उंज गुरु साहिब ने कृपा कीती, चार तरह की अग दे दरिया मानवी शरीर विच चलण दा जिक्र कीता। इह शब्द है महाराज दा जी कि केड़ी केड़ी अग अंदर नूं साड़ रही, उह शब्द है हंस, खेत, लोभ, कोप, चारे नदियां अग, जिन्हों महाराज कहिंदे ने भी अंदर सड़ रहा नाम तो बिना। सतगुरु कहिंदे खंस, ते मैं अर्ज करां इत्थे खंस दा लफ़्ज़ी अर्थ ना तां पंछी है, ना इहदा अर्थ कोई ब्रह्म ज्ञानी है, इत्थे खंस दा लफ़्ज़ी अर्थ विद्वान टीकाकारां ने हिंसा कीता है। हिंसा दा अर्थ करांगे मन दी निर्दयता, मन दा कठोर होना, इहनूं इक अग कहिआ जी, निर्दयता। थोड़ी जिही व्याख्या आपां कर लैणी आ अगे। खेत, इस नूं वी अग कहिआ, इत्थे हेत दा अर्थ प्रेम नहीं, इत्थे हेत दा अर्थ उहनां ने मोह कीता। लोभ दा अर्थ असीं सारे जाणदे हां तमा लालच, ते कोप दा लफ़्ज़ी अर्थ असीं सारे जाणदे हां क्रोध गुस्सा। महाराज कहिंदे आ परमात्मा दे नाम तो बिना जे बिरहा दी अग अंदर नहीं प्रवाहत ते सड़ना फिर भी अंदर नहीं, फिर उत्थे चार तरह की अग लगी है। एक हिंसा की अग है, दूसरी मोह की अग है, तीसरी लोभ की अग है, ते चौथी महाराज कहिंदे आ क्रोध की गुस्से की अग है। ये चारे साड़ दियां पईआं। थोड़ा जिहा पहला असीं लफ़्ज़ लईए हिंसा। हिंसा एक हुंदा शरीरक तौर ते किसी नूं मारिया जांदा है, जुल्म कीता जांदा है। हिंसा तां कई तरह की है जी, लोग बोल के भी हिंसा करते हैं, जबान तो फिके बोल कह के भी हिंसा करते हैं। ते महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब विच एक वचन भी कहा है, कहिंदे कई बारी बंदा शरीरक तौर ते किसी शस्त्र नाल वार नहीं करता, सिर्फ जबान तो ही फिक्का बोल बोलता है ते अंदर दी हिंसा कर देता। बाबे फरीद दे जिहड़े शब्द ने, शलोक ने, उन्हां दे दो आखरी शलोक किते पढ़े, उस विच एक वचन करते ने, एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा धनी, हयाओ ना कही ठाहे माणक सब अमोल में। हुण इह की जी हिंसा नाल संबंधित है, एक फिक्का ना गालाए, तू अपनी जबान तो फिक्का ना बोल, कौड़ा ना बोल, सारिआं विच ओ परमात्मा धनी जिहड़ा वाहिगुरु, धनी दा लफ़्ज़ी अर्थ मालक, सबना मैं सच्चा धनी, खयाओ ना कही ठाए माणक सब अमोल में। सारे अंदर दे दिल रूपी जेड़े माणक ने, मोती ने, ओ अमोल में ने, तेरे जबान दे विच भी आगे ए भी किसे दे अंदर नूं साड़ सकदी है। उन्होंने शब्द ही वरत्या। हालांकि बाबा साहिब जी लई मैं अर्ज कीती, जिन्ने भी विद्वान ने उन्हां सारिआं ने जेड़ा शब्द वरत्या, शक्कर गंज वरत्या बाबे फरीद दे लई। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ।
शक्कर गंज का मतलब सी एक ता ए भी उन्हां रोजा खोलना सी ते जदो मिट्टी नू मूह च पाया ते ओ शक्कर वर्गा स्वाद सी ए भी कहिंदे शक्कर गंज। कई सज्जन कहिंदे आ कि असल च उन्हां दी जबान इन्नी कु मिट्टी ते रसीली सी बाबा फरीद दी कि जदो अपनी जबान तो बोलदे सन ते सचमुच उन्हां दी मिठी जबान नू लोग कहिंदे सन शक्कर गंज मिठास दा खजाना है। तो जे तुसी उन्हां दी बाणी पढ़ो जी, वैसे सब तो ज्यादा जे मौत दी गल करके किसी ने रब जी चेते कराया है, सारे भगतां ने, सारे महापुरखां ने, गुरु साहब ने, हर गुरु साहब ने मौत दा जिक्र कीता नाशवंता दा, जिन्हां ने हर शब्द विच तकरीबन एक शब्द छड के दो श्लोक छड के जे मौत दा जिक्र कीता, एक गुरु तेग बहादुर साहब ने ते दूसरा बाबे फरीद ने, उन्हां दे जिन्ने शब्द तुसी पढ़ोगे, पर उन्हां बारे कहा जांदा ओ शक्कर गंज ओ जबान दे मिठे ने ते अणखी इन्ने सन, यूं कह लो बेमुथाज इन्ने सन। मैं थोड़ा जिहा विचों निकलिया, फिर उसे प्रकरण ते आवांगा कि नाम तो बिना अंदर सड़दा है ते केड़ियां केड़ियां अग्गां लगियां ने, जिन्हें ठंडा करना उत्थे भी अग बली पई। प्रोफेसर पूरन सिंह कहिंदा मजहब ता बड़ा ठंडा सी लोको, मजहब भी तत्ता हो गया। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਤਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬ ਤੱਤਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਤੀ, ਬੋਲ ਤੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਸਿਰਫ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਮਜ਼ਬ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਦੀਨ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਤੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੱਤਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੱਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੱਤੇ, ਤੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਤੇ ਹੀ ਤੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਸੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਜ਼ਬ ਤੱਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਅਣਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਬਣਾ। ਬਾਰ ਪਸਾਂ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈ ਮੁਜੈ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੰਸ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰਦੈਤਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਦੈਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹੀਏ ਜੇ ਹੋਣਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜੀ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬਲੇਟ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਟ ਤੇ ਚਾਕੂ ਡਾਕੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਕੜਿਆ ਬਲੇਟ ਚੀਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਡਾਕੂ ਤੇ ਹਸਿਆਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਾਰਨ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡਨ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡਕ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਪਾਨ ਪ੍ਰਬੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਸਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ
पर उस नु दुर्मत दरनंग दे अर्थ करदे कोदम रब दे नाम नाल जोड़ दे सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग किल भी करनंग असरनंग जय 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 कारण सृष्ट उबारन मम प्रतपारंग जय तेखं।